आज है मंडे और मैं यहाँ से कर रही हूँ नया ब्लॉग स्टार्ट। आज ही मैंने सुबह एक और ब्लॉग खत्म किया है। ये वाला जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट पे लग चुका है, लेकिन मेरा टारगेट है कि मुझे आज एक और वीडियो एडिट करना है, बिकॉज मैं एक आध दिन अपने आप को फ्री देती हूँ, तो मैं एक दिन ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे फ्री रहे। थोड़ा थोड़ा डेली काम करने से बेटर है कि मुझे या तो एकदम आप बैठा दो काम के पेस पे, या फिर मैं एकदम फ्री रहना चाहती हूँ वैसा। तो अभी तक मैंने शार नहीं लिया है, बिकॉज आज मैं अपने बालों का हेयर स्पा करने वाली हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मैंने सुबह शार क्यों नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पर 11 बजे तक सुबह की जो ऊपर की जो टंकी होती है ना, वो उसमें से एकदम बॉइलिंग पानी आने लगता है, एकदम बॉइल्ड वाटर रहता है, वो एकदम उबलता हुआ पानी रहता है। तो वो तो पूरी आपकी स्किन को भी, एक तो आप नहा भी नहीं सकते उससे, इतना ज़्यादा गर्म होता है वो। तो मैं नहाने वाली हूँ आज 6:30-6:30 के आसपास, आई विल टेक शार। तो मैं फटाक से कुछ इवनिंग स्नैक, आज हमने लंच भी बहुत जल्दी कर लिया था, 11:30 बजे कर लिया था, तभी जम के भूख लग रही है। तो इवनिंग स्नैक में मैं कुछ बनाऊंगी, जो हमारे यहाँ वॉचमैन है उन सब भैया लोगों को सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने वाली हूँ। देन फिर उसके बाद अपने बालों में कुछ कुछ लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं शार लूँगी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ढोकला रेसिपी। पहले मैं ढोकला बनाती थी माइक्रोवेव में, बट माइक्रोवेव में ढोकला अच्छा बनता है, बट क्या होता है ना, माइक्रोवेव में भी ढोकला बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपको माइक्रोवेव वाली भी रेसिपी देखना है ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं माइक्रोवेव वाला भी मुझे मेथड पता है एंड गैस वाला मेथड भी पता है, क्योंकि सबके यहाँ आई गेस माइक्रोवेव हो नहीं है, तो इसलिए मैं गैस वाले मेथड से बना करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो खमन ढोकले का मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ये रेडीमेड यूज़ करा है मार्केट वाला, तो कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो यूज़ करा है मैंने, वो है गिट्स का, GITS गिट्स का, काफ़ी फेमस सा ब्रांड है। तो जो अभी तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो जो आपकी सोसाइटी में अवेलेबल हो वो कर सकते हैं, ये घर पर भी बनता है बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी रेड चिली ऐड किया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर हल्दी भी ऐड किया है। यहाँ पर मैंने कुकर में ऑलरेडी पानी रख दिया है प्री हीट होने के लिए, और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको विस्क करना स्टार्ट करूंगी, मतलब इसको घोलना स्टार्ट करूंगी पेस्ट में। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसमें कोई भी लम्ब्स ना हो। अगर आपके पास इस तरह का विस्क नहीं है, या इलेक्ट्रिक आपके पास विस्क है, या आप स्पून से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत इजीली हो जाता है, और चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं अच्छे से अपने हैंड को वॉश करते हुए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ पेस्ट में ये कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें लम्ब्स नहीं आए हैं और बहुत ही स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, और ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक रखूंगी, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी रखूंगी, तो इस तरह की मेरी कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर मैंने एक वेसल रख लिया, अगर आपके पास इस तरह का वेसल ना हो तो आप कोई कटोरी रख सकते हैं। अब आप इस कुकर का लिड कवर कर सकते हैं, बट इसमें आप विसल मत लगाइएगा। जब तक ये होगा तब तक मैं नीचे से होकर के आती हूँ। मैं मास्क एंड ग्लव्स पहन के जाऊँगी, तो मुझे शार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं किसी को भी टच नहीं कर रही होंगी। और फिर आप अच्छे सबको सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करके आती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, इससे मेरा पूरा काम हो गया, मैंने आके अच्छे से हैंड वॉश किए हैं, और उसके बाद मैं मास्क एंड ग्लव्स पहन करके गई थी, और मैंने कुछ भी टच नहीं किया था, तो दैट्स वाई आई डिडंट टेक शार। बंद करके आप इसको चेक कर सकते हैं, एंड लुक एट दिस, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम एक बार सेंटर में से देखेंगे, थोड़ा सा और सेंटर में से देखिए, आप दिख रहा है आपको, बहुत लाइट लाइट सा आ रहा है। तो हम इसको 5 मिनट और ऐसे ही पकने देते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक कंटेनर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर तिल्ली डाली है, तिल्ली होती है ना, वो मैंने डाल करके रखी हुई है। ये थोड़ी सी उचकेगी, तो थोड़ा दूर खड़े रहिएगा। अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अगैन ये भी बहुत थोड़ा ऐसे इसका में जो तेल होता है वो उचकता है। देन यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी है, जो भी आप तड़के में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि पानी जब ऐड करते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको गैस बिल्कुल धीमी कर देनी होती है। और यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ शुगर, और साथ ही साथ मैं डालने वाली हूँ लेमन। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट, ये चटपटा तीखा सब कुछ इसमें टेस्ट रहने वाला है। अब इसको अच्छे से बॉयल होने देना है, और यहाँ पर अब हमारा जो खमन ढोकला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं चेक कर रही हूँ हर जगह से कि हाँ प्रॉपरली, अब इसमें मेरे जो नाइफ है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। साइड साइड से इसको मैं इस तरह से कट करूँगी, प्रॉपरली आपको कट करना है, और उसके बाद हम इसको एक किसी भी प्लेट में इसको निकाल लेंगे।
हाँ यार ये बातें हैं, बहुत स्पंजी बने हैं इसमें। है ना, हाँ बहुत स्पॉन्ज। तीखा कम है बस। इफ यू वॉन्ट टू ऐड तीखा, ईट दिस हरी मिर्ची। आज के बहुत स्पॉन्जी बने हैं। तो गाइज आप ट्राई ज़रूर करिएगा ढोकले, बहुत इजी, बहुत सिंपल रहते हैं और फटाक से भी बन जाते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते और काफ़ी फिलिंग होते हैं। तो अब मैं इन्जॉय करती हूँ ढोकला, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ होममेड हेयर मास्क, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा मैं घर का कुछ लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश एलोवेरा लिए हैं, उसको मैं कट कर रही हूँ और उसके अंदर का जो जेल है, जो पल्प होता है एलोवेरा का, फ्रेश पल्प, वो निकाल रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे घर के आसपास ये नहीं लगा है, आपके घर में नहीं लगा है, तो आप नॉर्मल जो आपके पास एलोवेरा जेल है वो आप ले सकते हैं। ये सब स्टेप्स कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये मैं जनरली करती हूँ अपने बालों में। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच दही लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर लेमन ले रही हूँ, लेमन वाटर, थोड़ा सा मैंने लेमन भी लिया है और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है, जो ऑयल आपके पास हो, आप कोकोनट ऑयल, नीम ऑयल, जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, सिर्फ मेरे पास 2 स्कूप बचा था, मतलब 2 स्पून ही मेरे पास बचा हुआ था। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, इसको भी अगेन ब्लेंड कर लिया और ग्राइंडर में इसको चला दिया एक बार, तो ये बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया था और मेरे बालों में बहुत इजीली लग गया था। एड दिस डब्बा एंड ये रहा मामा अर्थ का, और यहाँ पर इसको इसके नीचे ऐसे रख दूँगी एंड आई फिल दिस विथ मिट्टी एंड देन ये एक छोटा सा प्लांटर हो गया। हाय गाइस, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं, अब जैसे ये देखिए, ये काफ़ी छोटा सा कंटेनर है लेकिन इसका मनी प्लांट काफ़ी ग्रो हो चुका है। तो ये जो प्लांट है, अब जैसे ये है, ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है बट इसके प्लांट्स काफ़ी छोटे हैं, तो मैं प्रोपिगेटिंग कर रही हूँ कुछ प्लांट्स को। मतलब अगर मेरे पास मनी प्लांट है या इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो मल्टीप्लाई बहुत इजीली हो सकते हैं, तो उनको मैं प्रोपिगेट कर रही हूँ और कंटेनर्स को थोड़ा इधर से उधर एक्सचेंज करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं छोटा सा तुलसी का एक बीज वाला लेकर के आई हूँ। मेरी जो तुलसी है वो थोड़ी सी वैसी हो रही है, तो आई होप कि ये लग जाए, तो मैं छोटे से कंटेनर में लगा दूँगी।
तो सारा प्लांट्स का काम हो चुका है, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, ऑलरेडी 7 हो चुका है मुझे। मैंने सोचा था कि मैं 6:30 या 7 के बीच में नहा लूँगी, बट और मुझे अभी वो भी लेना है, स्पा लेना है, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं यार, मुझसे निकल गया, स्टीम लेना है, स्पा बोल रही हूँ, तो मुझे स्टीम लेना है। बट ऑलरेडी क्योंकि मैं ये सब काम कर रही थी तो मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई है, बट फिर भी मैं 5-10 मिनट्स की स्टीम ज़रूर लूँगी। बट उससे पहले मैं रोटी बना के फ्री हो जाती हूँ ताकि फिर मुझे किचन में ना घुसना पड़े, मैं प्रॉपरली फ्रेश होकर के नहा लूँगी। तो अच्छा है, जितना देर लगा रहेगा उतना देर बालों में इसका इफेक्ट होगा। तो मैं फटाक से रोटी बनाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मैं उसके बाद डायरेक्टली शावर लेने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। सो सी यू। हे गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर और मैंने अपना ये वाला नाइट सूट पहना है, काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वाला नाइट सूट पहना है। जनरली ये समर वाला नाइट सूट है तो मैं इसको समर में ही पहनती हूँ। एंड अभी रात में मैं ये टी ट्री बॉडी शॉप का एंटी इम्परफेक्शन डेली सोल्यूशन लगाने वाली हूँ। ये मैंने विंटर्स में बिल्कुल छोड़ दिया था इसको लगाना, बट अभी यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी होती है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि मुझे ना एकदम ऐसे वाटर कंसिस्टेंसी टाइप की कुछ चीज़ लगाने का मन करता है, कोई भी हैवी। इनफैक्ट मैं नाइट क्रीम्स भी अभी अवॉइड कर रही हूँ लगाना। सो यस, अभी मैं अपने बालों को इससे इसी तरह से टाल में ही ड्राइड अप होने दूंगी, उसके बाद जब ये प्रॉपरली नेचुरली ड्राई हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। तो अब मैं डिनर करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल रात में मैं सो गई थी इसलिए मैं आपको अपने बाल नहीं दिखा पाई। तो ये है, दिस इज़ द कंडीशन। मैं एक बार आपको रोशनी में दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे बालों से जो पूरा डेड डेड हो रहा था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो यस, बाल बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ से उटपटांग शेप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ऊपर ऐसे क्लिप लगा करके सोती हूँ ताकि मेरे बाल रात में आँखों में नहीं आए। और मैं जनरली टाई करके सोती हूँ, मैं ओपन हेयर में नहीं सोती हूँ, बिकॉज ओपन हेयर में आपके बाल ज़्यादा ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं। सो आई ऑलवेज मेक श्योर टू टाई माई हेयर। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना सुबह का, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में।